Hey guys, how are you? I'm from Radical Tech Art Solution Private Limited, and today we are going to discuss about Sub-Zero 75690 and Sub-Zero 7569P. So जैसे कि आप देख सकते हैं guys कि यहाँ पे 7569T है, और सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ. सो इसका ये साइड व्यू है, और यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे हमने सेंसर कनेक्ट किया हुआ है और सप्लाई दिया हुआ है. सो गाइस, अभी हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. सो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है -50 to 100 सेंटीग्रेड. इसका जो रिले आउटपुट है वो 20 एम्पियर है, और जो इसका पैनल कटआउट है इसमें जो ये लेंथ है वो 71 mm है, और जो विड्थ है वो 29 mm है. ये कूलिंग मोड और हीटिंग मोड आउटपुट दोनों में काम करता है, और इसमें जो आपको बॉक्स में ही साथ में जो सेंसर मिलेगा ये NTC सेंसर है, IP65 प्रोटेक्टेड है. 7 सेगमेंट 5 LED डिस्प्ले आपको मिलेगा. इसमें जो रेजोल्यूशन है उसका ±1 सेंटीग्रेड है, और जो एक्यूरेसी है उस वो भी ±1 सेंटीग्रेड है. सो गाइज, हमने अभी सेट पॉइंट 40 सेट किया हुआ है, और जो हिस्टेरेसिस है वो हमने 1 सेट किया हुआ है. सो ये अभी कूलिंग मोड पे काम कर रहा है, तो जैसे ही 40 के अब टेम्परेचर जाएगा ये अपने आप ऑन हो जाएगा, और वापस जब 40 के डाउन होगा तो अपने आप ऑफ हो जाएगा. सो हम ब्लोअर से सेंसर को हिट देते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है. सो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री से सेट 1 सेट किया हुआ है, इसलिए ये 41 पर आने के बाद ही ये शुरू होगा. और गाइज, यहाँ पे हमने टच बटन दिए हुए है, ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है, ये पावर बटन है, और ये सेट के लिए है. और डाउन के साथ हमने ये प्रोग्राम बटन भी दिया हुआ है, जिसे आप 2 सेकंड कंटिन्यू प्रेस करने पर यहाँ पे प्रोग्राम की मैनुअल ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप मैनुअली इसे सेट कर सकते हैं. सो गाइज, ये है हमारा प्रोडक्ट 75690, और ऐसा ही हमारा दूसरा प्रोडक्ट है 7569P, जो सेम कॉन्फ़िगरेशन पर आपको मिलेगा. और उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने पुश बटन दिए हुए हैं इंस्टेड ऑफ टच बटन. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच. ये था हमारा आज का वीडियो Sub-Zero 75690 एंड पी पे, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.